वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है 6 अप्रैल एंड हम जा रहे हैं आज घर, और बहुत खुशी हो रही है, बहुत एक्साइटमेंट, घर जाने की खुशी। और आज शाम की ट्रेन है हमारी, और 8 बजे की ट्रेन है, तो हम निकलेंगे यहाँ से फिर 8 बजे। और अभी तो हमें कुछ सामान लेने जाना है मार्केट, तो अभी हम सामान लेने जाएंगे। काफ़ी खुशी हो रही है कि यहाँ की गर्मी से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि वहाँ तो बहुत ठंड हो रही है। मम्मी लोग बता रहे थे कि बहुत ठंड हो रही है। और ये देखिए इसको अभी हमने नहलाया, तो अभी से नींद आ रही है नहा के मस्त। अभी हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, तो ब्रेकफास्ट जी आज का रास्ता हमें दिया है बगल वाली अम्मा ने, उन्होंने इडली दी है, और ये पता नहीं कौन सी चटनी कह रही थी, मैं समझ में नहीं आया। और ये देखिए, तो हम फटाफट खाते हैं और आपको मिलते हैं। अभी मैं हो गई हूँ रेडी, और हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए, और थोड़े बहुत सामान लेना है हमने अभी, तो जो छूट गया था हमेशा लास्ट टाइम पर कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, तो सामान लेना है हमें अभी, और अभी हम निकल रहे हैं, तो फिर मिलते हैं। यहाँ पे होगा क्या? ये रहा, ये तो बहुत बड़ा है यार। अक्का छोटा है इसमें, और ये हम फॉइल पेपर ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें ले जाना है पैक करके खाना। मस्टर्ड ऑयल भी ले लें क्या? और ये हम ले रहे हैं ट्रेन के लिए, ट्रैवल करने में चाहिए होता है ना ये सामान छोटे छोटे। ये भी नहीं थी। नहीं नहीं ये नहीं, मिल्क शेक वगैरह, बादाम शेक। ये मिल्क शेक, बादाम शेक नहीं है। तो फ्रेंड्स, मार्केट से हम आके हैं घर, सामान वगैरह हमने जो भी लेना था ले लिया है, और अभी मैंने खाना रख लिया है, तो बन जाएगा कुछ देर। कढ़ी अभी बन रही है हमारी, और चावल भी मैंने चढ़ा दिए हैं, तो फिर इसके बाद जो थोड़ा पैकिंग अभी बची हुई है हमारी वो करेंगे। यहाँ पे मैं वो सामान रख रही हूँ जो डेली मैं यूज़ करूँगी वहाँ, तो मैंने थोड़ा रख देती हूँ अभी, वरना बाद में भूल जाते हैं छोटी छोटी चीज़ें। तो जैसे ये हो गया वगैरह। और फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मेरी पैकिंग भी हो गई है कंप्लीट, और अब हम इसे कर देंगे बंद, और इसके साथ ही हमारी पैकिंग हो गई है कंप्लीट। पहली बार ऐसा हुआ है कि टाइम पे पैकिंग कंप्लीट हो गई है। कितने सारे बैग हो गए, क्योंकि सामान रखते रखते ये है ये है ये है, और ये कुछ एक देखिए, दो लोगों के बैग हैं और इतने सारे बैग्स हैं। जब कम करते 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 भी इतने बैग हो गए हैं कि हमने इतनी चीज़ें कम की, इतनी चीज़ें कम की, फिर भी इतना हो गया। ये हमेशा का ही होता है, सभी के साथ होता है आई थिंक, क्योंकि ऐसा लगता है ना, अभी जब हम पैकिंग करते हैं तो हमें लगता है ये भी काम आएगा, अरे यार ये भी काम आएगा, ये भी काम आएगा, तो हम रखते जाते हैं, और जब वहाँ मतलब घर जाके पहनने की बारी आती है, तो कुछ ही कपड़े हैं जो निकल पाते हैं, यूज हो पाते हैं, और बाकी के कपड़े सारे पैक्ड रहते हैं। फिर सोचते हैं कि क्यों लेके गए, फिर ले जाओ लाओ, ले जाओ ले जाओ लाओ, तो ऐसा ही होता है मेरे साथ, तो मोस्टली ऐसा ही होता है। तो ये अभी तो रखने को मैं ये भी रख लेती हूँ, हाँ ये भी रख, ये भी काम आएगा, लेकिन वहाँ जाके कुछ काम नहीं आता है। तो चलो पैकिंग तो हो गई एटलीस्ट टाइम पे, तो अभी खाना बचा है तो मैं खाना बनाती हूँ, फिर उसके बाद रेडी भी होना है, और घर जाने की कितनी एक्साइटमेंट है, घर जाने की खुशी तो भाई घर जाने की, और मोस्टली तो मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च और आलू की सब्जी। ये देखिए कट कर लिया मैंने, और अभी इसे फ्राई करना है हल्का सा, ताकि वो कच्चापन दूर हो जाए। फ्रेंड्स, खाना मेरा हो गया है रेडी, और उसको करना है अब ट्रांसफ़र एक बॉक्स में, जिसमें हम ले जा सकें कम्फर्टेबली।
तो मैंने आधा आधा दोनों में पैक कर दिया ताकि खाने में बाद में सही हो जाए। और अब इसमें हम लगा देते हैं ढक्कन। और जी हमारा हो गया डिनर रेडी। अब हम रखते हैं रोटी, तो कर देते हैं साइड में रोटियां, और इन रोटियों को रख लेते हैं पैक करने के लिए। तो हो गई है हमारा पैक डिनर, और ये दोनों हैं जो मैंने बनाई थी अपने डॉगीज के लिए। ये रोटियां बनाई थी मैंने उनके लिए एक्स्ट्रा। ये हो रहा है कि तो फिर मिलते हैं आपको। अभी सारा काम हो गया है, थोड़ा क्लीनिंग वगैरह करनी है और सामान समेटना है थोड़ा, मतलब सही से रखना है अरेंज करके, और फिर उसके बाद क्लीन करके फिर मैं आपको मिलती हूँ। अभी तो टाइम हो ही है ही, अभी काफ़ी टाइम है, अभी है आधा घंटा बाकी है, तो उसके बाद रेडी होके फिर मैं आपको मिलती हूँ। रेडी, और अभी हमको हो रही है लेट क्योंकि जो भैया हमें लेने आने वाले हैं ऑटो वाले, तो वो आने वाले हैं, तो आपको मिलते हैं फिर। बाय बाय, थैंक यू। तो कितनी गर्मी में आना, ज़्यादा गर्मी नहीं है। और फ्रेंड्स अभी हम पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन, और एक चीज़ देखी हमें, चांद चांद नजर आया। देखिए फ्रेंड्स, इसमें तो उतना क्लियर नहीं आ रहा फोन में, लेकिन सामने बहुत प्यारा लग रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो रही है हमारी एस्ट्रो फोटोग्राफी, और वो भी चांद की। पर कोई ना कोई हमें डिस्टर्ब कर दे रहा है चांद को। हाँ ये कुछ अच्छा लग रहा है, ये कुछ अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है, हाँ ये मस्त लग रहा है। पर ये वैसा नहीं है जैसे उस दिन खींचा था उसने, क्योंकि तो बीच में ये इंटरप्ट कर दे रहे ना, बीच में आगे।